विधायक नरेंद्र ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू कर आम लोगों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। शिक्षा, कृषि, बागवानी, जायका, युवा सेवाएं एवं खेल, भू संरक्षण तथा उद्योग विभाग के अधिकारियों की बैठक में विकास कार्यों को लेकर निर्धारित किए गए 100 दिन के लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को 31 मार्च से पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने युवा सेवा एवं खेल विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ाने तथा युवाओं में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने को कहा। ब्लू स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट के निर्माण के लिए शीघ्र प्राकलन तैयार करने और विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से स्कूलों का औचक निरीक्षण करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। नरेंद्र ठाकुर ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांस तथा मक्की पर आधारित यूनिट खोलने को कहा ताकि किसानों की आमदन और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान हो। चीड़ के पेड़ की पत्तियां पर आधारित फैक्ट्री शुरू करने को भी कहा ताकि चलारू का सदुपयोग हो सके। विधायक ने कृषि, बागवानी, जायका तथा भू संरक्षण विभाग के अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों, बागवानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर शिक्षा उपनिदेशक सोमदत्त सांख्यान, शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक आरसी कटोच, उपनिदेशक कृषि विभाग विनोद शर्मा, उपनिदेशक उद्यान आर के दीमान, महाप्रबंधक उद्योग विजय कुमार चौधरी तथा जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी सुदेश दीमान समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जिसमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन जो जितने भी डिपार्टमेंट के मुखिया लोग हमने यहाँ पे बुलाई हुई थी, मैं और मेरे मंडल के यहाँ पदाधिकारी भी हैं, तो हमारे इनका जो है बेसिक जो बुलाने का तो पर्पस जो आज था, तो इनकी जो थ्रू आउट पिछले साल की एक्टिविटीज रही हैं, कहाँ कमी रही है और आगे उस कमी को कैसा पूरा किया जाए, भाई इनकी जो सालाना क्या इनकी आउटपुट है, बजट कितना है, उसके बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेनी थी। दूसरे, जैसे हमारी सरकार जिस दिन से भी कार्यभार संभाला है, तो एक एजेंडा हमने दिया कि 100 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हमें डिपार्टमेंट से चाहिए। तो हम उन डिपार्टमेंट्स को वो जो नई स्कीम्स हैं, तो जो 100 दिन में उनकी उसके ऊपर क्या एक्टिविटीज रही है, कितनी कंप्लीट हुई है, क्या आउटपुट वो देने वाले हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो सरकार की जो भी पॉलिसी जाएगी, चाहे केंद्र की है चाहे हमारी हिमाचल सरकार की है, उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो टारगेट हमने दिया है, सरकार ने दिया है, उस टारगेट के रहते रहते ही उसको पूरा किया जाए, इसके बारे में हम इनसे चर्चा भी कर रहे थे, उनको डायरेक्शन भी दे रहे थे। तो जहां तक हमने जो पिछली इनसे ली है, पिछले साल या पिछले 4-5 साल जो गवर्नमेंट रही है, तो मैं समझता हूं कि ना तो इन्होंने इस बारे में कोई सही ढंग से कोई आउटपुट दी है, ना ही कोई पिछली सरकार को बजट का प्रावधान था। तो जो डेफिशिएंसी रही है, हमारी ये कोशिश रहेगी उन डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए, ताकि सरकार की जो पॉलिसी को सही ढंग से चलाया जाए। इस बारे में हम डिपार्टमेंट से पूरी जानकारी जो है मैं अपने मंडल के साथ उन सब के लिए रहा हूं। धन्यवाद।